हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी आई होप यू ऑल आर गुड आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल जैसे कि आपको पता है आजकल हम जो बोर्ड एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं जिनमें से हॉबी है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे है तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं Hobby is a favorite activity that a person does for pleasure. A hobby is done in our leisure time. It is one of the good ways for passing our time. Hobby is not our main occupation. What is the profession of a man may be the hobby of other men. द चॉइस ऑफ अ मैनस हॉबी डिपेंड ऑन हिज टेस्ट नेचर एंड एबिलिटीज़ जो हमारी हॉबीज़ होती है वो डिपेंड करती हैं हमारा टेस्ट कहता है जैसे किसी की हॉबी फोटोग्राफी होती है किसी की लिसनिंग म्यूज़िक होती है किसी की रीडिंग बुक्स होती है सबकी अपनी अलग अलग होती है हॉबी प्रोवाइड एंटरटेनमेंट वैंड वी फील बोड डिफरेंट पर्सन इंजॉय डिफरेंट हॉबीज़ सम ऑफ द कॉमन हॉबीज़ आर गार्डनिंग लिसनिंग म्यूजिक टेकिंग फोटोग्राफ्स पेंटिंग एक्सेट्रा सम पीपल लाइक इनडोर गेम सम लाइक आउटडोर गेम सम पीपल लाइक रीडिंग राइटिंग सॉन्ग्स सिंगिंग कुकिंग एक्सेट्रा दैट मीन सबकी अपनी अलग अलग हॉबीज़ होती है हॉबी डिपेंड करती है कि हम अपने हॉबी होती क्या है जब हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं या फिर कुछ हम जिस चीज़ को हमारा करने का मन करता है वैन वी आर फ्री वैन वी आर बोर्ड और जिसको करने के बाद वी फील रिलैक्सड स्ट्रेस फ्री तो वो चीज़ हमारी हॉबी होती है अब आई लाइक रीडिंग जैसे आप लिख रहे हैं अगर रीडिंग की आपकी हॉबी है तो आई लाइक रीडिंग आई रीड बुक्स इन माई फ्री टाइम आई इन्जॉय बुक्स इन माई लेजर टाइम आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स आई हैव टू हंड्रेड बुक्स इन माई लाइब्रेरी इच इंक्लूड्स मोटिवेशनल बुक्स बुक्स रिलेटेड टू नेचर बर्ड्स एंड एनिमल्स It gives me a lot of knowledge about animal birds. I specially like motivational books. They motivate me when I feel negative. They inspire me to move forward in spite of go back. अगर सपोस करो आपकी हॉबी फोटोग्राफी है, तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि I like reading, आप यहाँ पे लिखोगे I like photography. I take photographs in my free time. I enjoy. फ़ोटोग्राफी इन माय लेजर टाइम आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ़ फ़ोटोग्राफ्स अब आपको किस किस चीज़ के फोटोग्राफ लेना पसंद है आप उसके बारे में अपना पूरा लिख दोगे अगर आपको राइटिंग पसंद तो यहाँ से आप राइटिंग से लिखना स्टार्ट करोगे तो ऐसे माय होबी के ऊपर ऐसे लिख देते हैं ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, तो मेक श्योर sure आपको जो मैंने एक लिस्ट दी थी उसमें एट ऐसे थे उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि हम ये सोचते हैं कि नहीं तो बहुत ईजी एग्जाम टाइम में कर लेंगे पर ऐसा नहीं होता है एग्ज़ाम जो चीज़ हमने पहले कभी लिखी नहीं होती इसकी प्रैक्टिस नहीं की होती जब हम एग्ज़ाम टाइम में से लिखते हैं तो बहुत कन्फ्यूज होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा कटिंग हो जाती है और एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम पेपर में जो आप कटिंग करते हैं वो बहुत ही बैड इम्पैक्ट डालती है जो आपका चेकर होता है जो आपका इन्विजिलेटर होता है तो एक तरह से स्टिग्मा तो हमें मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है सो मेक श्योर हम अच्छे से अपने सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे ऐसे से उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में दूसरा इंपॉर्टेंट ऐसे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अगर आपको उसकी पी चाहिए तो मैंने इसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया दे दिया गया है उसमें आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा आई विल सेंड यू द पी डी एफ ओके थैंक यू